हेलो गाइस, जेवी किसान ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मक्का में दवाई डालने जा रही है, आपको दिखा दे ये कीटनाशक इसको खा रहे हैं। अभी तो आप देख सकते हो इस फसल को बर्बाद करने के लिए ये आ चुकी है अभी, और इसमें अभी दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। सकते हैं ये अभी दवाई छिड़कना चालू है। अभी चलिए किसान ब्लॉग में जिन जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब किया है उसका तहे दिल से थैंक यू है, और हम आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। ये देखिए कॉटन सीड्स यानी प्लॉट बनाए हैं, तो चलो आगे चलते हैं। एक कुआ आ चुका है, और ये तुअर दाल जो सब्जी में अभी ज़्यादा से ज़्यादा दो सालों में बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये हरी सब्ज़ी लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो सूखी में पसंद नहीं करते उतनी, ये हरी भरी में पसंद करते हैं। और ये है मूंग दाल, आप देख सकते हैं, और उसके साइड में भी तुअर दाल है। तुअर की सब्जी हरी है तो बहुत लोग खाते हैं हरी मिर्च में। और ये देखिए मक्का कितनी बड़ी हो चुकी है अभी। और उस साइड हमारे भाई साहब सब ट्रैक्टर से दवाई छांट रहे हैं अभी, और हम जा रहे हैं कुएं पर। कल का ब्लॉग हमने बनाया नहीं था, इसीलिए आज हम निकले कुएं पर। कल हम बीमार हो गए थे, इसीलिए दवाई की और टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए हमने सोचा आज चलो बना डालते हैं ब्लॉग, वरना हमारा चैनल कोई देखेगा नहीं है। किसान भाइयों, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसे थैंक यू, और जो लोग नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी मक्का है, इसमें भी थोड़ी कीटनाशक घिरे है अभी, और थोड़ी थोड़ी फसल बर्बाद कर रहे हैं अभी। इसके लिए फिर से दवा छाटनी पड़ेगी, इस पर छिड़काव करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी हुई है, और ये फसल मक्का बहुत ज़्यादातर हरी भरी लग रही है अभी, और बहुत अच्छी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खाद नहीं डाली है, एक ही बार डाली है अभी, ये लगभग 24 या 23 दिन की होगी। और इसमें अभी ये कीटनाशक ज़्यादा गिर चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये करेले, इसकी तीसरी बार बिनौती हो चुकी है अभी, लगभग 120 किलो उतर चुके होंगे करेले, और 80 किलो जैसी लौकी उतर चुकी होगी। अभी भी ये हरी भरी है, थोड़े थोड़े करेले पक चुके हैं अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए अच्छा लगे और पसंद आए तो। जे बी किसान ब्लॉग चैनल्स।